तेरे एक नौमान मॉरिस जुड़ो में हम लोग मैं आप लोगों को बात करने वाले हैं मोटोरोला के G6 और G6 प्ले के बारे में जो लॉन्च हो चुके हैं आज इंडिया में। तो हम लोग इस वीडियो में उनके बारे में बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग डेली कंटेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं दोस्तों मोटोरोला G6 की। दोस्तों मोटोरोला G6 आप लोग को अमेजोन में मिलने वाला है और जो मोटोरोला का G6 प्ले है वो आप लोग को फ्लिपकार्ट में मिलने वाला है। हाँ दोस्तों अलग अलग कर दिया मोटोरोला ने, मगर ठीक है आप लोग की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले मोटोरोला 6 की। तो भाई इसमें आपको 5.7 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलने वाली है, मतलब 2K की रेजोल्यूशन है। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। बात करते हूँ मैं इसके प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर दिया है जो 1.8 GHz में क्लॉक्ड है और 18 इंच का डिस्प्ले भी दे दिया है। तो मेरे सबसे ये डिस्प्ले भी अच्छा है और प्रोसेसर जो है वो थोड़ा ओवर प्राइज है, पर आपको मैं आगे बात करता हूँ उसकी। आपको 3 GB रैम मिलती है, 32 GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 4 GB और 64 GB वाला वेरियंट मिलेगा। दो वेरियंट आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं। 128 GB आप एक्सपांड कर सकते हो, एंड्रॉयड ओरियो के साथ आता है। और मुझे ये बात क्या बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है मोटोरोला की, आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड का फील मिलता है और बहुत जल्दी आप लोग को अपडेट देखने मिलते हैं। बात करते हैं कैमरा की, तो 12 MP का आप लोग को LED फ्लैश के साथ बैक कैमरा मिलने वाला है और 5 MP का आप लोग को उनके साथ डुअल कैमरा मिलने वाला है और 16 MP का आप लोग को सेल्फी कैमरा देखने मिलने वाला। मतलब आप लोग को 5 MP और 12 MP का बैक कैमरा LED फ्लैश के साथ और 16 MP का आप लोग को सेल्फी कैमरा। तो क्या मतलब मुझे लग रहा है दोस्तों ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है और बहुत ही अच्छा कैमरा दिया है, फिंगरप्रिंट दिया है आपको उसमें और मेरे हिसाब से 3.5 mm जैक दे दिया है। लकीली अच्छी बात है, वरना हर फ़ोन को मोटोरोला अलग कर रहा था, मगर इसमें आपको दिए गई है 3000 mAh की आप लोग को बैटरी मिली है जो टर्बो चार्जिंग के साथ आता है, टाइप सी पोर्ट में आएगा आपको। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, मगर 3000 mAh मेरे हिसाब से कम हो जाती है। हम हर जगह चार्जर लेके तो नहीं घूमेंगे, तो कम से कम 4000 mAh के 3500 mAh दे देते तो ठीक रहता, बट जब भी काम चलाने के लिए ठीक है। ठीक है तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोटोरोला के G6 प्ले के बारे में। दोस्तों वो आ जाता है आप लोग 5.7 की HD प्लस की डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इसमें आप लोग HD प्लस है और उसमें फुल HD प्लस है। हाँ दोस्तों तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, 18 इंच का आप लोग डिस्प्ले मिलता है, 1.4 GHz में इसका प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 430 का प्रोसेसर दे दिया है इन्हें और इंटरनल का 505 का GPU मेरा है इसमें, 3 GB रैम और 32 GB एक ही वेरियंट में आता है ये। आप एक्सपांडेबल भी कर सकते हो 128 GB तक और आप एंड्रॉयड ओरियो में भी आप लोग को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। 13 MP का आप लोग को बैक कैमरा देखने मिल रहा है और 8 MP का फ्रंट कैमरा। तो इसमें आप लोग को डुअल कैमरा नहीं देखने मिलने वाला है। हाँ दोस्तों इसमें डुअल कैमरा नहीं देखने मिलने वाला है। तो ठीक है यार मोटोरोला का G6 मुझे पसंद आया है। मोटो ये थोड़ा ठीक है, नहीं है तो नहीं है आप लोगों को। उसमें आप लोगों को मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी जो उसको भी टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से बैटरी इस फ़ोन में बहुत ही अच्छी दी गई है और बैटरी ही होनी चाहिए यार फ़ोन में। ये बैटरी 4000 mAh मुझे हर मोबाइल में चाहिए, इसमें है मेरे मोबाइल में 5300 mAh है। तो मेरे मोबाइल में बैटरी होती ही होती है, क्योंकि यार अब हमेशा अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा सबके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है तो बैटरी तो होनी चाहिए ना। तो बात करता हूँ मैं इसलिए लोग की प्राइसिंग की, तो मोटोरोला G6 प्ले के बारे में बात करता हूँ तो वो 12000 रुपये में आप लोग को मिलता है। और आप बात करते हैं मोटोरोला का G6 तो वो आप लोग को जो 3 GB रैम वाला वेरियंट है वो आप लोग को मिलेगा 14000 रुपये में और जो 4 GB रैम वाला वेरियंट है वो मिलेगा आपको 16000 रुपये में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से फुल ऑन लूटा जा रहा है भाई मोटोरोला का G6 प्ले, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मोटोरोला का G6 मुझे थोड़ा पसंद आया, मेरा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 450 थोड़ा मुझे लग रहा है, बट मैं पूरा टेस्ट करके आप लोगों को बता दूंगा कि ये फ़ोन लेने लायक है कि नहीं, मगर मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि मोटोरोला का ब्रांडिंग मुझे बहुत पसंद है। तो यार ये फ़ोन कुछ मैंने आप लोगों को पूरी बता दिया इनके बारे में, दोनों फ़ोन के बारे में कैसे लॉन्च हुआ क्या हुआ। तो आप लोग को मोटोरोला का G6 चाहिए है तो वो आप अमेजोन से जाके ले सकते हो और G6 प्ले चाहिए है तो आप लोग फ्लिपकार्ट से जाके ले सकते हो। तो ये अलग उधर कर दिया इन्हें, भाई भाई इन्हों को बिछड़ा कर दिया इन्हें। तो बस दोस्तों जो आज का वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ ला रहा हूँ और मतलब मैं दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी डेली वीडियो ला दे दूँ आप लोगों को, बट नहीं हो पाए तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मगर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। और 8 जून से मैं अभी तक अनाउंस कर देता हूँ, 8 जून से आपको जो दो वीडियो रेगुलर मिलते थे वो मिलना चालू हो जाएंगे। हाँ दोस्तों वैसी क्वालिटी वैसी कंटेंट आप लोग को मिलना चालू हो जाएगा और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। बस मिलता हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।